हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन मसाला पे। दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ का एक नया टॉपिक। तो अभी तक एडवांस मैथ हमने स्टार्ट नहीं किया था, आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और पहला हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, तो हम इसके अंदर छोटे छोटे सब टाइटल बनाकर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसने अभी तक ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ डिफिनीशंस की, जिनका कुछ वर्ड्स का जिनका अभी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है बिंदु, पॉइंट। तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे, पॉइंट से। देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट यानी कि बिंदु। तो बिंदु को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी, देखिए जो बिंदु होता है उसकी एक यूनिक लोकेशन होती है, इसकी एक यूनिक लोकेशन होती है। तो इसकी जो है यूनिक लोकेशन होती है। और सेकेंड चीज इसकी बात की जाए तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट की कोई भी डायमेंशन या विमा नहीं होती है। तो बिंदु के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसकी एक यूनिक लोकेशन होती है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है पॉइंट, इसको बोलते हैं बिंदु। ये इसकी जो है यूनिक लोकेशन होती है और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, एक वर्ड बोलते हैं लाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा। तो रेखा को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, अनंत बिंदुओं के समूह को, अनंत बिंदुओं के समूह को, या बोल सकते हैं जब एक साथ बहुत सारे बिंदुओं को मिला दिया जाता है तब एक लाइन तैयार होती है। बहुत सारे बिंदुओं के समूह को हम लाइन बोल देते हैं। और लाइन को किस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से। और कोई भी एक लाइन शो करने के लिए, कोई भी एक लाइन शो करने के लिए हमको मिनिमम दो पॉइंट की आवश्यकता होती है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं ए, और दूसरा एंडिंग पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं बी। तो जो लाइन होती है उसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम दो पॉइंट जरूरी पता होने चाहिए। ये हो गया लाइन। अब बात करेंगे रे के बारे में, किरण। किरण किसे कहते हैं, तो देखिएगा किरण को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किरण में यानी कि रे में एक हमारा फिक्स पॉइंट होता है, रे में एक पॉइंट फिक्स होता है। तो एक पॉइंट फिक्स होगा और उस फिक्स पॉइंट से इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं होता है। आप सभी लोगों को इसका जो है एक एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे कि सूर्य की किरणें, आप सभी लोगों ने सुना होगा सूर्य की किरणें। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से उत्पन्न होती है, सूर्य से उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सूर्य है, अगर आप एज्यूम करें तो उससे ये किरणें निकल रही हैं। कहने का मतलब है कि रे ऐसी, रे को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी स्टार्टिंग एक पॉइंट से होती है और वो अनंत तक सीधी चली जाती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होता है, तो इसको हम यहाँ पर ए नाम दे दिया। अब बात आती है एंगल की, अब बात आती है एंगल यानी कि कोण की। तो देखिएगा एंगल किसे कहते हैं, एंगल। एंगल किसे कहते हैं, यानी कि कोण। इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाएं, अगर हमारे पास इस तरीके से दो रेखाएं हैं, इस तरीके से दो रेखाएं हैं और इन दोनों के बीच में कितना झुकाव है, ये दोनों इस तरीके से हैं या इस तरीके से हैं या ऐसे हैं या कैसे हैं, मतलब कि दो रेखाओं के बीच के जो झुकाव है, इसके बीच का जो झुकाव है उसको हम बोलते हैं कोण। यहाँ पर इसको फिगर से समझने की कोशिश करिए, हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है ये ए बी, एक ए बी लाइन है और दूसरी लाइन है ए सी। तो इन दोनों के बीच में जो भी झुकाव होगा यानी कि इंक्लाइनेशन, झुकाव, इसको बोलते हैं थीटा, ये होता है कोण। दो लाइन के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं, लंबवत रेखाएं किन्हें कहा जाता है। अब देखिएगा लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, जब दो लाइनों के बीच में 90 अंश का कोण बन जाता है, कहने का मतलब है एक लाइन इस तरीके से और दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण, इसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर यहां पर कोण बनेगा। किस तरीके से, एक लाइन ये हो गई
ये एक लाइन हो गई ए बी, और दूसरी लाइन इस तरीके से है कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो कोण है वो 90 अंश का बन रहा है। तो ऐसी दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे? लंबवत रेखाएं बोलेंगे। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी देख लीजिए, सी और डी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ए बी परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर का साइन। परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं? तो जब दो लाइनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। तो ए बी ये है परपेंडिकुलर का साइन, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है, कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण। कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं कोटिपूरक कोण, और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले यह चीज जानते हैं। ऐसे दो कोण मान लेते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है। दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश हो जाता है तो वो दोनों कोण क्या बोलेंगे, एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं। दो कोणों का योगफल, किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए, ऐसे कोणों को कोटिपूरक कोण बोला जाता है। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण। संपूरक कोण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ये स्टेट लेवल एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है अगर वो ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहां पर देखिए संपूरक कोण, तो संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। कोटिपूरक में क्या होता है, किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो अभी आपके माइंड में थोड़ा नहीं पहुंच पा रहा होगा तो हम इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमने बताया किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश है, तो मान लेते हैं कि पहला एंगल यानी कि 50 और 40, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं क्योंकि इन दोनों का योगफल जो है वो 90 अंश के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम 30 और 60 की बात करें तो ये दोनों कोण कोटिपूरक होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योगफल जो है वो 90 अंश के बराबर आ रहा है। चलिए इधर आ जाते हैं, इधर देखिए 120 और 60, ये दोनों कोण संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर है। कहने का मतलब है, दुनिया के कोई भी दो एंगल उठा लीजिए, दुनिया के कोई भी आप दो एंगल ले लीजिए जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो जाता है, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे संपूरक कोण। और दुनिया के कोई भी दो एंगल आप ले लीजिए, किन्हीं भी दो एंगल्स का योगफल अगर 90 अंश हो जाता है तो वो कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पर किस तरीके से बनता है सबसे पहले वो देखिए। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन वो देखिए। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि 60 का कोटिपूरक कोण बताइए, 60 का कोटिपूरक कोण बताइए। तो देखिए, किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए, एक तो हमारे पास आ गया है 60, तो दूसरा क्या होगा 30, क्योंकि दोनों को जोड़कर 90 अंश करना है। इसी तरीके से एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए 70 का कोटिपूरक, तो 70 का कोटिपूरक कितना होगा, इसका कोटिपूरक हो जाएगा 20। अगर आपसे पूछा जाए 80 का कोटिपूरक बताइए, तो 80 का कोटिपूरक कितना हो जाएगा 10। और आपसे अगर पूछा जाए 45 का कोटिपूरक बताइए, 45 अंश का कोटिपूरक कोण बताइए, तो इसका कितना हो जाएगा 45। इसी तरीके से इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि 110 का संपूरक कोण बताइए, तो 110 का दूसरा कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर करना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 70। इसी तरीके से और भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ दे 50, ठीक है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। तो ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि आपको एक एंगल दे दिया जाएगा और दूसरा पूछ दिया जाएगा, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से पूछा जाए चाहे वो सप्लीमेंट्री एंगल से पूछा जाए। तो जैसा भी आपसे पूछा जाएगा आप 90 में से या 180 में से घटाकर आंसर निकाल सकते हो। तो इसी पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो यहाँ पर कोटिपूरक और संपूरक कोण लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आप इस तरीके से इसको भी याद रख सकते हो, अगर एक जनरल एंगल ले लें जैसा कि थीटा, ठीक है, तो हमने थीटा ले लिया, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना चाहें, ठीक है, अगर इसका हम
कोटिपूरक कोण लिखना चाहें, कोटिपूरक थीटा का अगर आपसे पूछा जाए कोटिपूरक या कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि ऐसे दो कोणों का योगफल जिसका 90 आ जाता है तो वो कोटिपूरक हो जाते हैं। तो थीटा के लिए कोटिपूरक कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया जाए सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण, थीटा का संपूरक कोण बताइए, तो थीटा का संपूरक कोण कितना हो जाएगा यहां पर, 180 अंश माइनस थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है कि थीटा के लिए जो संपूरक कोण हो जाएगा वो 180 अंश माइनस थीटा होगा और जो कोटिपूरक कोण होगा वो 90 अंश माइनस थीटा होगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, इसी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक से 14 अंश कम है, एक कोण हमारे पास है थीटा, ठीक है, और उसका कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है कि कह रहा है कि किसी भी कोण का मान उसके कोटिपूरक से 14 डिग्री कम है, तो कोण का जो मान है, कोण का जो मान है वो कोटिपूरक से 14 डिग्री कम है, ये 14 डिग्री कम है, ठीक है। तो आप जो है इसको कम कर दीजिए। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगा 2 थीटा बराबर, और ये हो जाएगा 6 और 7, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 38 डिग्री। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी कोण, ये हो गया कोण, तो इसका जो कोटिपूरक है, जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और हमसे क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी भी कोण की वैल्यू उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो हमने यहां से एक इक्वेशन बना ली, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू 38 डिग्री आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम का पूछा हुआ है, तो हमने इसीलिए इसको यहां पर पुटअप किया हुआ है। आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन आता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 माइनस थीटा, कोटिपूरक कोण 90 माइनस थीटा, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल के लिए 180 अंश माइनस थीटा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा होगा, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी भी कोण का संपूरक कोण, ध्यान से समझेंगे, किसी भी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। देखिएगा, माना कि हमने कोण थीटा है और आपसे पूछा जा रहा है कि कोटिपूरक कोण बताइए, तो ये तो हमने कोण मान लिया थीटा कोण होगा, तो इसका जो है सबसे पहले देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस थीटा। अब हम इसका जो है कोटिपूरक कोण देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये तो हो गया कोटिपूरक कोण, ठीक है, और यहां पर ये है संपूरक कोण, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब कि 180 अंश माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल कोण के मतलब जो हमारा कोण है उसके 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। तो हमने यहां पर इक्वेशन बना दी, एकदम सिंपल सा है, बस आपको जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज बोल रहा है उसी को फॉलो करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 170 बराबर 5 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 34 डिग्री। और आपसे पूछा गया कोटिपूरक कोण की वैल्यू बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू बताइए, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 34 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 डिग्री। यही अगर आपसे पूछ लिया जाता कि आप बताइए संपूरक कोण की वैल्यू, तो आप संपूरक कोण भी निकाल सकते थे। 34 हो गया ये, तो 180 अंश माइनस 34 करोगे, 180 अंश माइनस 34 तो ये हो जाएगा 146 डिग्री। कोण आ गया 34 डिग्री, संपूरक कोण कितना हो गया, 146 डिग्री, और कोटिपूरक कोण कितना हो गया, 56 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी एक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में, कोण के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ एंगल्स। कोण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, एकदम बेसिक से चल रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपने कभी भी ज्यामिति नहीं पढ़ी है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, तो अब आपको यहां पर बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, जैसा कि आप क्वेश्चंस लगाकर समझ चुके होंगे कि कितना यहां पर इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को। और अगर आपको ये कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये चीज पहुंच सके। तो देखिए अब हम बात करेंगे यहां पर एंगल्स के टाइप के बारे में। तो सबसे पहला देखिए एक्यूट एंगल, जिसको बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल,
तो देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण मान लेते हैं थीटा, न्यून कोण है मतलब थीटा, यहां पर हम डिनोट करने के लिए दिखा रहे हैं। तो ऐसा कोण जो 0° से ज्यादा हो और 90° से कम हो। तो ये देखिए हमने इसको 0° से ज्यादा कर दिया और 90° से इसको कम कर दिया। 0 से लेकर के 90° के बीच में जितने भी कोण आएंगे उन सभी कोणों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, न्यून कोण एक्यूट एंगल की कैटेगरी में रखेंगे, 0 से बड़ा और 90° से छोटा। अगला देखिए, इसके बाद जो आता है राइट एंगल यानी कि समकोण, समकोण राइट एंगल। तो समकोण जो होता है वो कितना होता है, 90°। ये इस तरीके से, ये देखिए ये हो गया समकोण, राइट एंगल यानी कि समकोण जो 90° के बराबर होता है, ठीक है, वो इसको जो है इस तरीके से बनाते हैं। और अगर हम एक्यूट एंगल को फिगर में बनाकर दिखाने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से बनता है, ये है 90° का कोण और इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे, इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे 90°, 0 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी आप ये ब्लैक वाले से देख रहे हो, ये सारे जितने भी कोण बन रहे हैं ये सारे न्यून कोण हैं। यानी कि 0° से लेकर के 90° के बीच में जितने भी कोण बनेंगे ये सारे न्यून कोण को डिनोट कर रहे हैं, और यहां पर जो 90° है वो समकोण है। अब आगे देखिए, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अब है अधिक कोण, अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90° से जो भी ज्यादा होगा और 180° से कम होगा, 90° से ज्यादा और 180° से कम, कैसे? ये तो 90° का कोण हो गया इस तरीके से, देखिए ये इतना जो है वो पोर्शन 90° हो गया, और ये जो पूरा कंप्लीट है वो 180° होता है। आप सभी लोगों को पता है एक सरल रेखा होती है उस पर जो पूरा कोण बनता है अर्धवृत्त, वो 180° का होता है। तो ये हो गया 90°। तो 90° से ज्यादा और 180° से कम, यानी कि इस पोर्शन में जितने भी आपको एंगल दिख रहे हैं, इस पोर्शन में जैसा कि ये एंगल थीटा या ये एंगल या ये एंगल, तो जितने भी हम ब्लैक से बना रहे हैं वो सारे जितने एंगल बनेंगे वो किस में आएंगे, अधिक कोण में आएंगे। कहने का मतलब है वो 90° से ज्यादा है, 90° से ज्यादा, यहां तक ये जो रेड वाली लाइन है वहां तक वो 90° कोण बन रहा है, जैसे ही हम उसको क्रॉस करेंगे वो 90° से ज्यादा का कोण बनने लगेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए, यहां पर ये देखिए टोटल 90° का कोण बना हुआ है, जैसे ही हम इसको इस तरीके से और टर्न करेंगे, इसको जो है और बेंट करेंगे, तो ये 90° से कोण बढ़ता जाएगा, ये कोण बढ़ता जा रहा है, और अब ये 180° का कंप्लीट कोण हो गया है। ये है 90° का कोण, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसको और बेंट कर रहे हैं, तो ये 90° से बढ़ता जा रहा है, और एक ऐसी कंडीशन आएगी ये दोनों सीधा हो जाएंगे। जब ये सीधा हो जाएगा तब दोनों के बीच में यहां पर जो कोण बनेगा वो 180° का बनेगा, लेकिन 180° से जस्ट छोटा कर दीजिए और 90° से जस्ट बड़ा कर दीजिए, तो वो जो कैटेगरी आएगी वो कैटेगरी किस में होगी, अधिक कोण में, ऑप्टिक्स में, 90 से बड़ा और 180° से छोटा। अब बात करेंगे रिज कोण या सरल रेखा कोण जिसको बोलते हैं, सरल रेखा कोण, स्ट्रेट लाइन कोण इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 180°। तो इसको जो है इस तरीके से सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180° होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये 90 है, इसको बढ़ाते जाएंगे और ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो यहां पर 180° का कोण बन जाएगा। तो जैसा कि यहां पर 90 इस तरीके से बनता है तो ये 180 इस तरीके से बनेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करेंगे, सरल रेखा कोण हो गया, अब बात आती है वृहत कोण के बारे में, वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसकी जो वैल्यू है वो 180 से ज्यादा, 180 से बड़ा होगा ये कोण, और 360 से छोटा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत कोण बोलेंगे। कैसा इसका जो है फिगर बनने वाला है वो भी देख लीजिए, ये हो गया, यहां तक तो 90 है, यहां तक पूरा इतना कोण 90 है, ये भी 90 है, यानी कि टोटल हो चुका है हमारे पास 180। और हमने जो परिभाषा में आपको बताया है, मतलब यहां पर आपको जो बताया है 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, तो ये जो कोण है वो इसमें आने वाला है, क्योंकि 180 यहां तक हो चुका है, जैसे ही थोड़ा सा एंगल और बढ़ाएंगे ये 180 से ज्यादा हो जाएगा
और ये कोण इस कैटेगरी में पहुंच जाएगा, इस कैटेगरी में। तो ये भी इतना पूरा कोण और ये इस तरीके से, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सारे जो है वृहत कोण बोले जाते हैं। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको बोलेंगे वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब जो है वो लास्ट बचता है वो कौन सा है, कंप्लीट एंगल, जिसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो कंप्लीट एंगल भी यहां पर लिख देंगे, देखिएगा संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 360 के बराबर होती है और ये कंप्लीट सर्कल हो जाता है 360 डिग्री का। आप सभी लोगों को पता है एक सरल एक रेखा में बना हुआ कोण 180 का होता है और एक सर्कल का जो कंप्लीट पूरा हो जाता है तो वो 360 डिग्री डिनोट करता है। तो यहां पर हमने सभी प्रकार के आपको एंगल बता दिए, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहत कोण, संपूर्ण कोण। अगर आपको ज्योमेट्री सीखना है तो आपको ये सारे जो टर्म है वो पता होने चाहिए, उनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हमने आज की ये जो क्लास थी एकदम बेसिक थी, लेकिन उस बेसिक क्लास में भी हमने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पर बेस। तो आज का इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।